हाय गाइस, माय नेम इज प्रिया नायर और मैं आपकी स्टूडेंट एडवाइजर हूँ। मैं आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड जानकारी दूंगी MBBS एडमिशन के रिगार्डिंग। कई ऐसे मेडिकल कंसल्टेंसीज हैं जो कि स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रही हैं, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, उनको ये बोल रही हैं कि अगर वो सितंबर में जाना चाहते हैं तो अगर वो मई से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट करवा लेते हैं तो उनको नीट देना कंपलसरी नहीं होगा, नीट देने की ज़रूरत नहीं होगी। गाइज प्लीज़ आप उनकी बातों पर ट्रस्ट मत कीजिए, आपके सामने हैं सारे नीट के रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको पता है कि अगर आप मई के बाद किसी भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको नीट क्लियर करना, नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो आप प्लीज़ उनकी बातों में मत आइए। अगर आप नीट बिना दिए किसी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो ऐसी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आपके पास हैं, जहाँ पे अभी विंटर इनटेक चल रहा है, जहाँ पे अभी मार्च में एडमिशन्स हो रहे हैं, मई में एडमिशन्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप एडमिशन्स करवा सकते हैं बिना नीट क्वालिफाई किए। क्योंकि अगर मई 2018 के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। चाइना में और यूक्रेन में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर मार्च इनटेक चल रहा है, उनका विंटर इनटेक चल रहा है। यूक्रेन में लास्ट डेट एडमिशन लेने की है 15 मार्च। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो बिना नीट क्वालिफाई किए। लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर रहेगा वो सब कुछ बहुत फास्ट रहेगा, फास्ट पेस पे होगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। फेब्रुअरी एंड ऑलरेडी हो चुका है, हमें सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अभी इतनी जल्दी नहीं सब कुछ अरेंज कर पाओगे तो भी मैं आपको यही कहूँगी कि गाइज प्लीज़ डोंट लूज होप। आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है, यू स्टिल हैव दैट लास्ट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज़ that you can get yourself enrolled for the best Caribbean medical university, that is Lincoln American University, जिसके अंदर अभी May intake चल रहा है। तो अगर आप उस university के लिए enroll करते हो तो अभी आपके पास 3 महीने हैं, आप easily उस university में admission ले सकते हैं, आपको NEET qualify करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका direct admission होगा उस university में। वो university जो है वो एक बहुत अच्छी university है। उसके अलावा फीस, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फीस बहुत अफोर्डेबल है, इंडियन स्टूडेंट्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी को। डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, 5 साल का कोर्स रहेगा आपका, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है उस यूनिवर्सिटी में, आपका 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। उसके अलावा जो भी पढ़ाई होगी आपकी वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होगी, तो आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे लोकल्स के साथ हॉस्टल में और अपने टीचर्स के साथ। यूनिवर्सिटी इज अ वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव फ्रॉम MCI एंड WHO। तो गाइज प्लीज डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, आप प्लीज एनरोल कीजिए इस यूनिवर्सिटी के लिए बिना नीट क्वालिफाई किए, डायरेक्ट एडमिशन लेके। ऑल यू गाइज नीड टू डू इज दैट यू नीड टू गेट इन टच विद अस। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं, दैट इज www.educationabroad.co.in। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी हमें कॉल करके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन ऑफिसर्स के साथ, जो कि आपको सारी उन यूनिवर्सिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जहां पर अभी मई से पहले एडमिशन्स चल रहे हैं। तो गाइज प्लीज मैं आपको यही बोलूंगी, डोंट वरी, आप प्लीज गलत इन्फॉर्मेशन में मत आइए। सो गाइज प्लीज आप गलत इन्फॉर्मेशन में मत आइए। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन जो कि नीचे है उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरीज के लिए भी हम स्पेसिफिक वीडियोस बनाएं ताकि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो सके। एंड गाइज अगर आपको और भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए MBBS एडमिशन जानकारी के लिए तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज एजुकेशन अब्रॉड, एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।